नमस्कार, खुराना फोरम में आपका स्वागत है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने रिलीज होने के बाद महज 12 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ और वर्ल्ड ओवर 800 करोड़ की अर्निंग की है। शाहरुख खान का मोनोलॉग जिसमें वह वोटर्स को हिदायत देते हैं कि वोट देने के पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या सोचकर वोट देना चाहिए, इट इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर। और कुछ विपक्षी पार्टियां और उनके नेताओं ने फिल्म जवान की तारीफ करके एक तरह से इस फिल्म को प्रमोट किया है। अरविंद केजरीवाल ने तो यह दावा किया है कि शाहरुख खान के द्वारा बोला गया डायलॉग वही है जो अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते हैं। सो आप लोगों ने जवान फिल्म देखी है? मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है। उसमें शाहरुख खान एक चीज़ कहते हैं कि कोई वोट मांगने आए तो धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे, मेरा परिवार अगर बीमार होगा तो उसके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम करोगे। आज 75 साल के बाद भी देश में एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो ठोक बजा के कहती है कि हमें वोट दो क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। कांग्रेस पार्टी ने जवान के टीजर रिलीज होने के बाद उस टीजर में राहुल गांधी के फुटेजेस डालकर रिलीज किया था। मैं कौन हूं, कौन नहीं, पता नहीं, मां को किया वादा हूं, मैं अधूरा एक इरादा हूं, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, पुण्य हूं या पाप हूं, ये खुद से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। नाम तो सुना होगा। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके जवान की तारीफ की थी। सो द मेकर्स एंड शाहरुख खान शुड थैंक द ऑपोजिशन लीडर्स जिन्होंने उनकी फिल्म जवान की तारीफ की या यूं कहें कि प्रमोशन किया।